जी हाँ, अगर आप भी व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं अपनी वाइफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और वैसी वैसी मोमेंट्स और वैसी वैसी हरकतें जो है वो वीडियोस के ऊपर करते हैं, तो ऐसे में आपकी तमाम वीडियोस वगैरह जो है वो लीक हो सकती हैं, और हो सकता है काफी लोगों की हो भी चुकी हो। तो ऐसे में कैसे व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉलिंग वगैरह जो है वो लीक हो जाती है, जानने के लिए देखते रहे हाउ टू चैनल को। तो सबसे पहले जिस चीज की वजह से आपकी वीडियो कॉल्स वगैरह जो है वो लीक हो सकती है, यानी कि अगर आप जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पर बात करते हैं, तो ये चीजें जो है आपको कीप इन माइंड रखनी चाहिए, तो जिसकी वजह से आपकी वीडियो कॉल्स वगैरह या चैट्स वगैरह जो है वो लीक हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको मद्देनजर रखनी है, यानी कि माइंड के अंदर रखनी है, वो है जीबी व्हाट्सएप। तो ऐसे में अगर आप जीबी व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो किसी से वीडियो कॉलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसे में जीबी व्हाट्सएप व्हाट्सएप की प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि ऑफिशियली व्हाट्सएप ने भी यही चीज बता दी कि जीबी व्हाट्सएप सिक्योर नहीं है। अगर आप इसके थ्रू किसी भी किस्म की चैट वगैरह करते हैं, किसी के साथ भी वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं, तो ऐसे में जो है कल को वो चैट्स या वीडियो कॉलिंग अगर लीक हो जाती है तो हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो ऐसे में अगर आप व्हाट्सएप जीबी इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए जो है वो कॉलिंग वगैरह करते हैं, तो अभी खत्म कर दे, बस कर दे, वीडियोस लीक हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज आती है जिसकी वजह से हमारी वीडियो कॉल्स वगैरह जो है वो लीक हो सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वो है स्पाइवेयर ऐप्स। यानी कि अगर आपका मोबाइल जो है वो हैक हो चुका है, किसी ने हैक कर लिया है, और आप जो है वीडियो कॉल्स वगैरह जो है अपने व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी वीडियो कॉल्स वगैरह जो है वो लीक हो सकती है। ऐसे में कभी भी किसी से अपना मोबाइल फोन शेयर ना करें, ताकि वो मजाक में भी आपके मोबाइल के अंदर किसी भी किस्म की एप्लीकेशंस डाउनलोड कर दे और आपके ऊपर नजर टका के बैठे। तो ऐसे में कभी भी अपना मोबाइल शेयर ना करें किसी के साथ भी। और उसके बाद जो तीसरी हमारे पास चीज आती है और सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि ट्रस्टेड पर्सन, यानी कि अगर आप जिससे बात कर रहे हैं उस पर आपको ट्रस्ट नहीं है, और आपने जो है नया नया बॉयफ्रेंड बनाया है या नई नई गर्लफ्रेंड बनाई, और आपको लगता है कि यार इसके साथ मुझे अपनी प्राइवेट मोमेंट्स वगैरह शेयर नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे में शेयर ना करें। हो सकता है वो बंदा या बंदी जो है आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हो, और आपको बाद में इस चीज का पता चले जब एक कॉल आए और आपको ब्लैकमेल किया जाए। तो कभी भी अननोन बंदे के साथ, यानी कि जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, उसके साथ अपनी प्राइवेट मोमेंट्स वगैरह जो है वो शेयर ना करें। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है, यानी कि जिसकी वजह से वीडियो कॉलिंग वगैरह जो है वो लीक हो सकती है। अब आप यही चीज सोचेंगे कि जी हाँ, मेरा मोबाइल जो है वो सिक्योर है, किसी किस्म का स्पाइवेयर ऐप नहीं है, मैं किसी को फोन जो है वो शेयर नहीं करता या नहीं करती, तो ऐसे में मेरा व्हाट्सएप या मेरा मोबाइल जो है वो टोटली सिक्योर है, और जिससे मैं बात कर रहा हूं या कर रही हूं वो मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ है, तो मुझे उस पर पूरा पूरा ट्रस्ट है। तो ऐसे में हो सकता है आपका मोबाइल फोन सिक्योर है, लेकिन जिससे आप बात कर रहे हैं हो सकता है उसका मोबाइल फोन सिक्योर ना हो, उसके अंदर जो है वो स्पाइवेयर ऐप हो, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हो, या हो सकता है उसके मोबाइल के अंदर किसी भी किस्म की एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड कर दी हो, जिसकी वजह से उसे स्पाई किया जा रहा हो। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं प्राइवेट मूवमेंट्स वगैरह शेयर करना, तो ऐसे में आप जब फेस टू फेस आएंगे तभी कर लेना। तो ऐसे में उम्मीद यही करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी, और ये गलतियां जो है आप नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी किस्म का आपका भी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर ना आए, तो ऐसे में उम्मीद यही करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सारे तो थोड़ा सा तो जरूर फायदा हुआ होगा। अगर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर आप हाउ टू चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाल वाला बटन, यानी कि इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है ऐसे ही मिलते रहे। उम्मीद करते हैं नई वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक ले चाहता आप सब लोगों से इजाजत, गॉड ब्लेस।